Students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें टेली ईआरपी 9 का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2 कंटेन करना है. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एसेट्स को पढ़ा था कि एसेट्स क्या होता है. जरा इस एसेट्स को मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि जो एसेट्स है वो संपत्ति है जो आगे चल के फ्यूचर में आपको हेल्प करे या फिर आपकी बेनिफिट करे. ठीक है, सो चलिए अब हम आगे सीखते हैं रिसिप्ट को. तो रिसिप्ट क्या होती है, जरा वो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है. रिसिप्ट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब ये है कि जो रिसिप्ट है वो अमाउंट है. मीन्स कौन सा अमाउंट है, जब आप सामान को बेचते हो और जब आपने सामान को बेचा और उससे जो आपको पैसे मिले तो वो अमाउंट, वो पैसे क्या बनेगा, आपका रिसिप्ट बनेगा. ठीक है, एक बार जो समझने की कोशिश करिए. रिसिप्ट क्या है, जब आप किसी सामान को बेचते हो, ठीक है, जब आप किसी सामान को सेल करते हो और उस सामान से जो पैसे आपको मिलते हैं वो क्या है, रिसिप्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो टू टाइप्स के रिसिप्ट होते हैं. यहाँ पे देखिए लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स. ठीक है, पहला रिसिप्ट कौन सा है, कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट. ठीक है, सो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, जरा वो देखिए. कैपिटल रिसिप्ट के अंदर अगर आप अपनी कंपनी के कैपिटल को बेच देते हो, मतलब कैपिटल को बेचना मीन्स जैसे कि आपने बिल्डिंग बेच दी या फिर फर्नीचर बेच दिया, तो ये सब क्या है, आपने अपनी कैपिटल बेच दी. और जब आप कैपिटल बेचते हो और जो उससे आपको पैसे मिलते हैं तो वो कहलाएगा आपका क्या, कैपिटल रिसिप्ट्स. ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है. अगर नहीं आया तो एक बार और सुनिए. जब आप अपने बिजनेस के अंदर से किसी बिल्डिंग को या फिर फर्नीचर को बेचते हो, मीन्स अपने आप कैपिटल को अगर बेचोगे तो उसके रिस्पेक्ट में आपको जो पैसे मिलेंगे उसे कहा जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स. ठीक है, अब जानते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को. सो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट को आप इस तरह समझो जैसे कि आपके बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो, जैसे कि समझ लो एग्जांपल ले लो, आप एक पेन बनाते हो. आपकी कंपनी क्या करती है, एक पेन बनाती है, और जब उस पेन को आपकी कंपनी सेल करती है और उससे जब पैसे आपको मिलते हैं उसी को आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट. ठीक है, सो आई थिंक समझ में आया आपको रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है. मीन्स वो सामान बेचना जो आपके कंपनी में बनता हो, मीन्स जिसमें आपकी कंपनी डील करती हो. ठीक है, जैसे कि आपकी कंपनी चश्मे बना रही है या फिर पेन बना रही है और उस पेन को अगर वो सेल करती है, मीन्स अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके जो अमाउंट उसको मिलता है कंपनी को, वो अमाउंट क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा. ठीक है, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है. ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं. 8th पॉइंट है हमारा एक्सपेंडिचर. अभी एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो अमाउंट को हम स्पेंड करते हैं किसी गुड्स को या एसेट्स को खरीदने के लिए. ठीक है, एक बार समझिए एक्सपेंडिचर क्या है. जैसे कि आप कुछ सामान खरीदते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या खरीदा, कोई एसेट्स खरीदा, तो जब हम कुछ सामान खरीदेंगे या फिर कुछ एसेट्स को खरीदेंगे और उसके प्रति जो हमें पैसे देने पड़ेंगे उसी पैसे को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे. ठीक है, सो आई थिंक आप समझ में आया एक्सपेंडिचर क्या है. तो अब जरा देखिए यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो टू टाइप्स के हैं. पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जरा वो समझिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर आप जैसे बिल्डिंग खरीद रहे हो या मशीनरी खरीद रहे हो, तो उसमें जो आप पैसे देते हो, मतलब जैसे कि आपने क्या किया, मशीन खरीदी या बिल्डिंग खरीदी, और उसको खरीदते वक्त जो पैसे आपने दिए तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्यों, क्योंकि जो बिल्डिंग है, आपकी मशीनें हैं, वो किस में आ जाती हैं, कैपिटल्स में आ जाती हैं. जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था रेवेन्यू के अंदर, यहाँ पे सॉरी ये कैपिटल रिसिप्ट में, कि ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है, जब हम अपने सामान को बेचते हैं, अपनी कैपिटल को बेचते हैं, तब हमें जो पैसा मिलता है वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट. तो वही चीज़ यहाँ पे है, जब हम कैपिटल को खरीदते हैं, मीन्स किसी भी कैपिटल को खरीदते हैं, जैसे कि कैपिटल में कुछ भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकते हैं,
तो जब आप अपनी कैपिटल या फिर एसेट्स को खरीदते हो तो उस वक्त जो आप पैसा देते हो उसी पैसे को आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, अब जानते हैं ज़रा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो होता है जैसे कि आपका एक बिज़नेस है, आप उस बिज़नेस के अंदर कुछ काम कर रहे हो या फिर आपका बिस्किट की कंपनी है। ठीक है, समझो आप आपका एक बिज़नेस है और उसके अंदर आपकी क्या है, एक बिस्किट की कंपनी है। ठीक है, अब आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, आपको अपनी अर्निंग को बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा, एडवर्टीज़मेंट चलानी होगी। ठीक है, तो जो पैसा आप एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा करोगे, ठीक है, आपने खर्चा किया एक्सपेंडिचर पे जो पैसा, तो वो पैसे को आप बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब उसे समझो। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि आपने खर्चा किया एडवर्टीज़मेंट पे या फिर आपने खर्चा किया अपने प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल के ऊपर, जो भी आप खर्चा करते हो, ठीक है, तो उसी को आप बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों बोलेंगे, जरा वो समझिए। अगर आप रॉ मटेरियल को लेके नहीं आओगे कंपनी में तो आगे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आपका रेवेन्यू भी तो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, जो एक बार और समझिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। जैसे कि आपकी बिस्किट की कंपनी है और उस बिस्किट को बनाने के लिए आपको मैदा या फिर जो भी उसके अंदर प्रोडक्ट लगता है, जो भी सामान लगता है, उसे आप खरीदते हो, तो उसको सामान को खरीदते वक्त जो भी आप पैसे देते हो वही पैसे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्योंकि जब तक आप उस बिस्किट का प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, मीन्स बिस्किट का मटेरियल नहीं खरीदोगे, तब तक आप बिस्किट को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, मीन्स बिस्किट को बना नहीं पाओगे और अपने मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे। अगर सेल नहीं करोगे तो आपको रेवेन्यू भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसीलिए यहाँ पे आया है कि जब तक आप पैसा लगाओगे नहीं, मीन्स आप पैसा लगाओगे और प्रोडक्ट बनाओगे और फिर आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। बाकी आप इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं जरा यहाँ नीचे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा। एक्सपेंस को मैं बड़े ही सीधे शब्दों में बताऊँ तो ये है खर्चा। ठीक है, अब क्या समझो एक्सपेंस क्या है, खर्चा है। ठीक है, अब कैसा खर्चा, जरा हम उसे देखते हैं। तो यहाँ देखो हमने क्या किया है, एक्सपेंस को फोर टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक्सपेंस कितने टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के। ओके, पहला है यहाँ पे क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि पहले से आप एडवांस में पैसा दे दो, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब उसको समझने की कोशिश करिएगा। जब आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, ठीक है, तो क्या होता है उसमें, आप प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो। आपने सुना होगा कि जब तक आप रिचार्ज नहीं करवाओगे तब तक आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि जब आप रिचार्ज करवाओगे तभी आपके फ़ोन से कॉल जाएगी और आप इंटरनेट को सर्व कर पाओगे, लेकिन जब तक आप रिचार्ज नहीं करवाओगे तब तक आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो ये सब किस में आ जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस में आ जाता है। मीन्स ऐसे खर्चे जिसमें कि आपको पहले पैसे देना पड़ता है, देन उसके बाद आपको बेनिफिट मिलता है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखी है, It is an expense that has been paid in advance and the benefit of which will be available in the following years of years. ठीक है, so I think आप समझ गए होंगे कि prepaid expense क्या है। और इसका example अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे example भी दिया गया है, advance rent, advance school fees। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए। अब rent भी अगर कोई देता है तो advance ही देता है, पहले पैसे दो फिर उसके बाद आपको कमरा मिलता है। ठीक है, या फिर स्कूल में अगर आप चाहते हो एडमिशन करवाने के लिए, वो भी क्या मांगते हैं, पहले फीस देन उसके बाद एंट्री मांगते हैं। तो यही है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, अब जो जानते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। ठीक है, अब ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जरा वो समझिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आपको बेनिफिट पहले मिल जाए और पैसे बाद में देना हो। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब आप समझे क्या है, मीन्स इसमें क्या होगा, आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर बेनिफिट आपको पहले मिलेगा और जो पैसे हैं उसे आपको बाद में देने रहेंगे। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले वन मंथ पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप क्या करते हो, पहले वन मंथ पूरा कंज्यूम कर लेते हो, ले लेते हो, देन उसके बाद आपका बिल आता है, देन उसके बाद आप उसका पेमेंट करते हो। तो मतलब इसमें क्या हुआ, पहले आपको मिला बेनिफिट, देन उसके बाद आपने उसका पेमेंट किया। तो इसके अंदर देखो एक और एग्जांपल लिखा है ऑडिट फी वाला भी,
तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसी एग्जांपल से ही आपको पता चल गया होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा खर्चा है, जिसके लिए क्या होता है, पहले बेनिफिट मिल जाता है, देन बेनिफिट मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जरा चलते हैं यहाँ पे, अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जरा उसे समझने की कोशिश करिएगा अच्छे से। यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है वो कौन सा खर्चा है, जरा उसे समझो। इसकी पहले डेफिनेशन आप साफ साफ पढ़ लो, आई थिंक आपको डेफिनेशन से ही थोड़ा समझ में आ जाएगा पहले ही। क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। क्या लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इसमें साफ साफ ये लिखा है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो डायरेक्ट खर्चे हैं, वो किससे डायरेक्टली रिलेट करते हैं, आपके प्रोडक्ट से। कब, जब प्रोडक्शन हो रही होती है प्रोडक्ट की, तब। जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखो लिखा है ना कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब समझो, जैसे कि आपकी कंपनी में बिस्किट बनते हैं, अभी हमने जैसे एग्जांपल लिया था बिस्किट बनते हैं, तो बिस्किट के अंदर क्या क्या लगता है बनने का, मीन्स बिस्किट का कुछ रॉ मटेरियल लगता होगा ना। जैसे बिस्किट मैदे का बनता है तो मैदा लगा होगा, चीनी लगी होगी, तो जो चीनी आप खरीद के लेके आए हो और जो आपने चीनी खरीदी है तो उस पर जो आपने खर्चा किया, तो वो खर्चा क्या होगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब। अब देखो फैक्ट्री रेंट, जहाँ पे आपकी ये बिस्किट बन रहे हैं उस फैक्ट्री का रेंट भी जाता होगा, तो वो भी डायरेक्ट है। ठीक है, वेजेस मीन्स दिहाड़ी, जो आप जो वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो इस बिस्किट को बना रहे हैं, तो वो भी तो डायरेक्ट उस बिस्किट को बना रहे हैं और वो भी प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, तो वेजेस भी आपकी क्या होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगी। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वो खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि आपके प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेट करते हैं प्रोडक्शन के वक्त पे। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जरा उसको समझो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेट नहीं करते हैं। जैसे कि अब देखो टेलीफोन बिल्स, यहाँ पे क्या लिखा है एग्जांपल में, टेलीफोन बिल्स। अब टेलीफोन बिल्स का क्या ताल्लुक है कोई, जैसे कि देखो अभी मैं आपको पार्ले जी बिस्किट का जरा एक एग्जांपल देता हूँ। पार्ले जी बिस्किट अब बिस्किट बेचती है, ठीक है, लेकिन पार्ले जी बिस्किट के कई सारे ऑफिस हैं, उसके अंदर टेलीफोन भी अवेलेबल है, लेकिन क्या होता है टेलीफोन के बिल्स वगैरह भी तो वो बिस्किट के कॉस्ट से ही निकालते हैं, बिस्किट बेच के ही तो वो पूरा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, तो उसी के अंदर आपका टेलीफोन बिल्स भी आ जाता है। लेकिन जो टेलीफोन बिल्स होता है वो इनडायरेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो रही होती है आपके बिस्किट की, तब टेलीफोन का बिल तो वहाँ पे नहीं आता कहीं, ठीक है, लेकिन टेलीफोन का बिल कहाँ आएगा, आपके ऑफिस में आएगा, जिस ऑफिस में आप बिस्किट को रख के बेच रहे हो या फिर आप इस बिस्किट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में। तो आई थिंक आप इतना समझ लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो डायरेक्ट रिलेट नहीं करता है आपके प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, अब जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, जो फैक्ट्री में एक गार्ड होगा बाहर, जैसे गार्ड होते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो बाहर बैठा होता है, ठीक है, तो उसकी सैलरी कहाँ से निकलेगी, वो तो बिस्किट नहीं बना रहा ना, क्या कर रहा है गार्ड, तो बिस्किट नहीं बना रहा, जो लेबर हैं वो बिस्किट को बना रहे हैं, तो जो लेबर की कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वेजिस कहलाएगी, और जो गार्ड बैठ के वहाँ पे चौकीदारी कर रहा है, जो उसकी सैलरी होगी वो सैलरी कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें जरा आप डिफरेंस समझिएगा, वेजिस क्या होता है, जो वो लोग वेजिस लेते हैं जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेट करते हैं, और सैलरी कौन लेते हैं, जो लोग प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेट नहीं करते हैं, इसीलिए सैलरी को भी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है। ठीक है, अब बाकी जो एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, प्रिंटिंग वगैरह देख रहे हो ना, जैसे प्रिंटिंग करवाते हैं कब, जब एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है, इन सब चीज़ों में। ठीक है, सो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। ओके, और अगर इसमें से किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी ना, जैसे कि ये मेरे को इसका मीनिंग समझ में नहीं आया या फिर इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, तो आप बेफिक्र होकर आप हमें कॉल करिएगा हमारे नंबर पर, जो नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के बीच में आप हमें कॉल करिएगा, आप जब भी कॉल करेंगे हम आपका कॉल रिसीव करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व कर देंगे। ओके, सो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये चीज़ समझ नहीं आया तो हम कॉल कैसे करें, तो फ्रीली आप हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब जरा आगे सीखते हैं इनकम के बारे में।
इनकम क्या होती है, इनकम तो आपको पता ही होगा क्या होती है, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लीजिए इनकम क्या है। इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इनकम एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि आप टाइम के साथ साथ अर्न करते हो, ठीक है। अब जरा इसे समझिए आगे, यहाँ पे देखते हैं एक फॉर्मूला लगा है, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा समझने के लिए आपको पहले समझना होगा रेवेन्यू को, ठीक है। अब रेवेन्यू क्या होता है जरा वो समझने की कोशिश करिए, मैं समझाता हूँ आपको, ओके। समझिए कि आपका, आपने क्या किया, एक पेन बनाया जिसमें कॉस्ट आया, मीन्स खर्चा आया 4 रुपये का, ठीक है। और आप कहते हो कि ये पेन जो मैंने बनाया है 4 रुपये में, मैं इसको बेचूंगा 5 रुपये का, ठीक है। तो आपने बोला 5 रुपये, ठीक है। तो अब 5 रुपये जो आपने बोला ना, वो क्या होगा, रेवेन्यू होगा, ठीक है। क्या होगा, 5 रुपये आपका रेवेन्यू होगा। अब जरा देखो, इस 5 रुपये में से अगर आप अपने खर्चे एक्सपेंस माइनस कर दो, मीन्स कौन से एक्सपेंस जो आपने लगाए हैं उस पेन में, पेन को बनाने में, तो अपने कितने पे लगाए हैं, 4 रुपये। तो अगर 5 रुपये में से आप 4 रुपये माइनस कर दोगे तो आपकी इनकम कितनी आएगी, 1 रुपये। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अब चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट को। इस पॉइंट में क्या लिखा है, परचेजेस। परचेज का मतलब होता है खरीदना, मीन्स क्या खरीदना, सामान खरीदा, सामान खरीदना, ठीक है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे, दिस टर्म इज़ यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। क्या लिखा है, परचेज का मतलब क्या होता है, गुड्स खरीदना, ठीक है। गुड्स का मतलब आप भी समझ लो, गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। गुड्स का मतलब भी सामान होता है, एसेट्स का मतलब संपत्ति कह लो, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए सामान बोला था, बाकी एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा परचेज का मतलब, परचेज का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। अगला यहाँ देखो, यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेज हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके की खरीदना है, या फिर टू टाइप्स के परचेज हैं, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ पे पहला है आपका कैश परचेज और दूसरा है क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज क्या होता है जरा वो समझने की कोशिश करिए। कैश परचेज होता है जब आप कोई सामान खरीदते हो और खरीदते वक्त आप पैसे दे देते हो, तो उसको बोलोगे कैश परचेज, ठीक है। क्या बोलोगे, कैश परचेज। लेकिन अगर आप किसी सामान को खरीदते वक्त पैसे नहीं देते हो और बोलते हो बाद में लेना, तो आप उसे बोलोगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब उधार में खरीदारी करना, और कैश परचेज का मतलब नगद खरीदारी करना। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैश परचेज क्या है और क्रेडिट परचेज क्या है, ओके। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सेल्स वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो सेल्स का मतलब होता है बेचना, ठीक है। ये भी टू टाइप्स की होती हैं, पहला है आपका कैश सेल, दूसरा है क्रेडिट सेल। सो कैश सेल्स के अंदर क्या होता है, जब आप सामान बेचते हो और अगर जो आपका कस्टमर है अगर उसी समय आपको कैश में पेमेंट कर देता है, आपको पैसे दे देता है, तो आप बोलोगे कि मैंने ये सामान कैश में बेचा है, ठीक है। तो वो क्या बनेगी, कैश सेल्स बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई यूज़र आपका, आप जैसे किसी को सामान बेचते हो और वो कहता है आप पैसे बाद में लेना, तो आप उसे क्या बोलोगे, क्रेडिट सेल बोलोगे, ठीक है। जब एक बार और समझिए, कैश सेल क्या है, क्रेडिट सेल क्या है। कैश सेल्स का मतलब ये है, जब आप कोई सामान किसी को बेचते हो और अगर वो आपको तुरंत पैसा दे देता है कैश में, तो आप उसे क्या बोलोगे, कैश सेल्स बोलोगे। लेकिन अगर आप किसी यूज़र को या कस्टमर को अगर सामान बेचते हो और वो आपको उसी समय पैसे ना दे और बोले बाद में लेना, तो आप उसको बोलोगे क्रेडिट सेल्स, ओके। सो आई थिंक अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि परचेज क्या है और सेल्स क्या है, ठीक है। अब जो यहाँ जानते हैं 13 नंबर पे, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होती है, मतलब जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, खरीद के रखा है, और उस सामान में कुछ पार्ट डिफेक्टिव हो गया है या फिर ज़्यादा आपने ले लिया है वो सामान, अब आप उसे वापस करना चाहते हो, तो अब आप जा करके उस सामान को अगर वापस करते हो, तो उसी चीज़ को बोला जाता है यहाँ पे परचेज रिटर्न, ठीक है। अब जरा सीखते हैं सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न का मतलब, जैसे कि आपने कोई सामान बेचा, ठीक है, आपने क्या किया, कोई सामान बेचा है और जो आपका कस्टमर है वो कहता है कि ये सामान थोड़ा डिफेक्टिव है, आप इसे वापस ले लीजिए, तो आप बोलोगे कि ये क्या हुई है मेरी तरफ से, सेल रिटर्न हुई है, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा परचेज रिटर्न क्या है और सेल्स रिटर्न क्या होता है, ओके। सो अभी मैंने आपको जितना यहाँ पे करवाया है इस वीडियो में, आप इन सभी चीज़ को
अच्छे से रीड आउट करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करना। और अगर किसी भी पॉइंट का मतलब अगर समझ में ना आए तो आप हमें कॉल करके हमसे पूछ लेना। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे के पार्ट को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।